तो हाय गाइस वेलकम। अरे यार ये क्यों बुला रहा है, एक मिनट गाइस इससे बात कर लेते हैं। हाँ भाई बोल क्या हुआ। अरे रवि भाई कोई ऐसी ट्रिक बताओ जिसकी वजह से मैं ग्रैंड मास्टर तुरंत लगा पाऊं। देख भाई मेरे पास कोई ट्रिक तो नहीं है, बट मेरे पास एक मंत्र है जिसको तू अगर 101 बार बोलेगा तो तू आराम से एक घंटे के अंदर ग्रैंड मास्टर जा सकता है। अगर भाई ऐसी बात है तो तुम मेरे को जल्दी से मंत्र बता दो, मैं 101 बार क्या 500 बार मंत्र को बोल दूंगा। पक्का बोल लेगा ना? हाँ भाई पक्का बोल दूंगा। तो ले बोल। गाइस ये तो हो गई मजाक की बात, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर ढीला है तो मेरे कहने का मतलब था, अगर गाइस आप लोग को मालूम नहीं है कि ग्रैंड मास्टर जाने के लिए कौन सा कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन को लगाया जाए, बिकॉज यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे कैरेक्टर स्किल देखने को मिलते होंगे जिसकी वजह से गाइस आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते होंगे, तो आप लोग ने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया, बिकॉज मैं आज की वीडियो में आप लोग को एक ऐसा कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ जिसे लगाने के बाद आप लोग बोलोगे इस दुनिया का राजा हूँ मैं, तो पापा हूँ पापा इस दुनिया का पापा। तो गैस जो पहला कैरेक्टर स्किल होने वाला है उसका नाम है क्रोनो। ये एक एक्टिव कैरेक्टर स्किल है और गैस इसका कोई एक खासियत नहीं है, इसका बहुत सारी खासियत है। जैसे कि जैसे ही आपको कोई बंदा मारे तो आप लोगों को सिंपल सा कैरेक्टर स्किल ऑन कर लेना है। कैरेक्टर स्किल ऑन करते ही आपके पास एक शील्ड बन जाएगा जो कि गैस 800 डैमेज पर टूटता है। तब तक गैस आप लोग आराम से बंदे को इमोट दिखा सकते हो, जिस तरह गैस मैं यहाँ पर शील्ड खोल के इमोट दिखा रहा हूँ। और अगर आपको ड्रॉप चार्ज करना तो आप लोग सिंपल सा ड्रॉप के पास जाकर इस कैरेक्टर स्किल को खोल सकते हो, अगर आपके पास ग्लूवाल नहीं है तो, और आपको बंदा मार भी नहीं पाएगा और आप लोग आराम से ड्रॉप चार्ज कर लोगे। यही नहीं अभी और सुनिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सामने वाले बंदे ने मेरे पे नेर मारा, बट गाइस मैंने सही टाइम पे कैरेक्टर स्किल खोल लिया जिसकी वजह से गाइस उसका जो नेर था ना वो बाउंस हो गया, जैसा कि आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो। ऐसे ही आप लोग अच्छे तरीके से इस कैरेक्टर स्किल का यूज कर सकते हो। अब गाइस जो हम लोग का अगला कैरेक्टर स्किल होने वाला है उसका नाम है एल्वारो। इस कैरेक्टर स्किल की सबसे खास बात यह है कि गाइस इस कैरेक्टर स्किल को सारे नेडर यूज करते हैं, बिकॉज यहाँ पे ये क्या करता है, ये जो आपका नेड होता है ना उसको 3-4 भाग में बांट देता है जिसकी वजह से गाइस बंदे को ज्यादा से ज्यादा डैमेज पड़े। जैसा कि गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो शील्ड बना हुआ है ना इसके अंदर अगर मैं नेट मारूंगा तो ये नेट बाहर नहीं जाएगा, बिकॉज ये शील्ड के अंदर ही गाइस मतलब बाउंस होकर फूटेगा। ठीक है अब देखो गाइस मैंने कैसे स्मार्टली यूज किया। देखो गाइस इस कैरेक्टर स्किल के अंदर मैं नेट को कुक करके भाग गया और गाइस दोनों बंदे मर गए। तो गाइस आप लोग ग्रेनेड का एबिलिटी लगाना मत भूलना जिसकी वजह से गाइस आपका जो ग्रेनेड है वो एक गुच्छा में गिरे। देखो गाइस जो हम लोग का थर्ड कैरेक्टर स्किल होने वाला है उसमें गाइस मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा कैरेक्टर स्किल का, आप लोग दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो, दोनों की एबिलिटी ही बेस्ट होगी। तो आप लोग पहले में लगा सकते हो थीवा। अब थीवा क्या करता है, जैसे कि गाइस अगर आपका टीममेट नॉक है, मान लो यहाँ पर आप लोग सीएस रैंक खेल रहे हो और आपने यहाँ पर टीममेट नॉक हो गया, सैड इमोजी। देखो जैसा कि यहाँ पर मेरा टीममेट नॉक हो जाता है एनिमी से, अब मेरे को उसको बचाना है। अब मैं क्या करूंगा, फटाफट यहाँ पर कैरेक्टर स्किल खोलूंगा और यहाँ पर देखो कितने सेकंड बचा, एक सेकंड भी नहीं लगा ये तुरंत रिवाइव हो गया थीवा की वजह से। और सामने वाला बंदा कितना मारने का ट्राई कर रहा है बट मार नहीं पाएगा। आप लोगों को गाइस मैं दिखा देता हूं कितने देर मैंने रिवाइव किया, यहाँ पर फिर से देख लो गाइस एक सेकंड भी नहीं लगा रिवाइव देने में। मैं इतना फास्ट रिवाइव इसलिए दे पा रहा हूँ बिकॉज गाइस यहाँ पर मैंने लगा रखा थीवा कैरेक्टर जो कि गाइस एक सेकंड के अंदर बंदे को रिवाइव देता है। अब गाइस जो हम लोग की सेकंड ऑप्शन कैरेक्टर है वो है मैक्सिम कैरेक्टर जो कि गाइस बहुत स्पीड मेडिकेट मारता है। फॉर एग्जांपल देखो गाइस आप लोग के साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा, आप लोग कहीं पर खड़े हो और अचानक से किसी बंदे ने घूम के आपको मार दिया हो या पीछे से छुप के आपको मार दिया हो। जैसे कि यहाँ पर गाइस मेरे को एक बंदे ने AWM मार दिया बट मेरे पास ग्लूवाल नहीं है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर कैरेक्टर स्किल ओपन कर लिया और उसके सामने यहाँ पर फटाफट दो मेडिकेट मार लिया। और आप लोग देखो दोनों मेडिकेट की कितनी स्पीड है, जो हम लोग नॉर्मल मेडिकेट मारते हैं ना गाइस उससे हम लोग को 25% ज्यादा स्पीड मिलता है मेडिकेट मारने के लिए। आप लोग देखो गाइस कितना स्पीड में मेडिकेट मार रहा हूँ और सामने वाला बंदा गाइस कुछ कर भी नहीं पाएगा। यहाँ पर मैं मेडिकेट आराम से मार के इसको भी मार दूंगा। देखो गाइस बंदा मेरे को मारने के लिए शॉट मार चुका है, अब मैं क्या करूंगा इसको बॉडी शॉट फटाफट मार के राउंड को मैं निकाल लूंगा। अब गाइस जो हम लोग का फोर्थ कैरेक्टर स्किल है उसका नाम है मोको और इसकी एबिलिटी किसी हैकर से बिल्कुल भी कम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गाइस देखो यहाँ पर क्या होगा ना, मैंने गेम स्टार्ट कर दिया सीएस रैंक ओके, अब मेरे को मालूम नहीं कि एग्जैक्ट लोकेशन बंदों का कहां है, बट मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि बंदे उधर साइड छुपे हुए, तो मैंने जैसे नेट मारा मुझे मालूम चल गया कि दो बंदे वहां पर छुपे हैं। देखो मोको का मार्क दिख रहा है आप लोग को, यही सेम मार्क मेरे दोस्त लोग को मालूम चल गया कि बंदे कहां पर छुपे हैं और वो लोग भी रश कर दिए थे और यहां पर मैं भी रश कर दिया, बट मेरे एक टीममेट डाउन हो गया तो मैंने उसको फटाफट रिवाइव दिया थीवा की वजह से। गाइस फटाफट रिवाइव होने के बाद अब सिर्फ इसका एक ही बंदा बाकी है जो कि गाइस देखो मैंने उसको भी बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया, बट ये क्या करेगा मेरे छुपने का ट्राई करेगा देखना गाइस, लेकिन मेरे को तो लोकेशन दिख रहा है ना मोको की वजह से। गाइस ये सोच रहा है छुप गया बट गाइस ये छुपा नहीं था, ये मेरे को दिख रहा था और मैंने इसको फटाफट फिनिश कर दिया मोको की वजह से। तो गाइस आप लोग समझ गए होंगे जो मोको कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है गाइस, जिसकी वजह से गाइस बंदा आपसे छुप ही नहीं पाएगा, कुछ सेकंड तक आपको उसका लोकेशन दिखता रहेगा वो कहीं भी जाए। और गाइस जो मैंने चार कैरेक्टर स्किल बताया उसका आप लोग याद से स्क्रीनशॉट लेके रख लो जिसकी वजह से आप लोग इसको यूज कर सको गेम में जाकर। और गाइस अगर आप लोग को इस कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन से अच्छा कोई कॉम्बिनेशन मालूम है तो आप लोग को याद से कमेंट कर देना है गाइस, ठीक है ना, अपना कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन जिसको मैं खुद ट्राई करने वाला हूं और जिसका भी गाइस कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन अच्छा होगा उसका गाइस मैं कमेंट पिंग कर दूंगा, ठीक है। और उसका हो सके तो गाइस मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो भी बना दूं कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन को लेकर। तो गाइस
गाइस इसी बात पे फटाफट कमेंट कर दो आपके हिसाब से कौन सा कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा, मैं चेक करता हूँ फटाफट। और गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय।